आज हम टेस्टी टेस्टी सांबर बनाएंगे और सांबर के लिए सांबर मसाला भी हम घर पे बनाएंगे। ये बहुत जल्दी बनता है। सांबर का कॉम्बिनेशन डोसा, इडली और इवन चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलिका खुराना हेल्दी रेसिपी होम में आपका स्वागत करती हूँ। तो सांबर के लिए हमने 1 कप तूर दाल मतलब अरहर दाल ली है। इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे। अब इसमें फ्रेश वाटर डालेंगे और साथ में सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर, नमक और हल्दी, और साथ में ही हम चॉप वेजीज भी डाल देंगे। हमने इसमें कैरेट, बीन्स, कॉलीफ्लावर, बॉटल गॉर्ड और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वेजीज ले सकते हैं। कुकर बंद करेंगे और 3 से 4 विसल आएंगी तो हम फ्लेम बंद कर देंगे। सांभर में हम टैमरिंड वाटर डालेंगे, तो टैमरिंड वाटर के लिए हमने ये थोड़ी सी इमली ली है, टैमरिंड ली है, जिसे कि हम पहले वॉश करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और इसे डिप छोड़ देंगे ताकि जो इमली है वो सॉफ्ट हो जाए। इमली भी हमारी सॉफ्ट हो गई है तो इसे मसल लेते हैं और स्क्वीज करके इमली को बाहर निकाल देंगे। अब इस इमली के पानी को सीव कर लेते हैं और लास्ट वाले पानी को डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। स्पून की हेल्प से सारा पानी निकाल देंगे और फाइबर को डिस्कार्ड कर देंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है तो हम कुकर को ओपन करेंगे और एक बार इसे चला लेते हैं। अब हम सांबर को तड़का लगाते हैं, तो हम एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो हमने जिंजर और गार्लिक को हमने मोटा मोटा काट लिया है, इसे डाल देंगे और फ्लेम लो रखेंगे। जिंजर और गार्लिक रोस्ट हो गया है, ये देखिए इसका कलर पिंक हो गया है, तो इसे हम मिक्सी जार में निकाल लेंगे। लेकिन पीसना इसे थोड़ा ठंडा करके है, गर्म में बिल्कुल ना पीसें। अब हम फ्रेश सांबर मसाला बनाएंगे। तवा गर्म है तो इसमें हम 1/2 टीस्पून मेथी सीड्स, 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा कोरिएंडर सीड्स, 1/2 टीस्पून राई और 1 टीस्पून जीरा। फ्लेम लो रखेंगे और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं और राई देखिए स्प्लटर कर रही है और बाकी के मसाले भी रोस्ट हो गए हैं, तो हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब इस मसाले को हमने कोर्सली ग्राइंड करना है, तो हम इसे दौरी डंडे में कर रहे हैं। आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेश सांभर मसाला रेडी है। इसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पैन में जो ऑयल पड़ा है उसी में हम 2 लाल मिर्च और साथ में थोड़े से करी लीव्स, 1 टीस्पून राई डालेंगे और फ्लेम लो रखेंगे। ये देखिए ये रोस्ट हो गया है, तो इसमें हम जिंजर गार्लिक जिसको हमने रोस्ट किया था उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है वो डाल देंगे। लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। लाल मिर्च हमने दाल में नहीं डाली थी, नमक और हल्दी हमने डाल दिया था। तड़का हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है तो इसे हम कुकर में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम टैमरिंड वाटर भी डाल देंगे जिसे हमने अभी बनाया था, और साथ में 2 चम्मच सांबर मसाला डालेंगे और मिक्स करेंगे। सांबर हमें थोड़ा थिक लग रहा है तो हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। आपको सांबर जिस टाइप का पसंद है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। सांबर बॉयल हो रहा है तो हम फ्लेम बंद कर देंगे। देखा कितनी जल्दी बन गया। ये सांबर बहुत टेस्टी बना है। अब आप भी सांबर बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।